सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। यह जो कथा है यह है ब्रह्म वैवर्त पुराण से। कथा को बड़े ही ध्यान से आप लोग सुने। शचीपति देवराज इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं। एक मानवंतर पर्यंत रहने वाले स्वर्ग के अधिपति हैं। घड़ी घंटों के लिए जो किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है उसके नाम से लोग घबराते हैं। फिर जिसे 71 दिव्य युगों तक अप्रतिहत दिव्य भोगों का साम्राज्य प्राप्त है उसे गर्व होना तो स्वाभाविक ही है। इसलिए इसके गर्व भंग की कथा भी बहुत है। दुर्वासा ने इन्हें शाप देकर स्वर्ग को श्रीविहीन किया। वृत्तासुर विश्वरूप नमूची आदि दैत्यों के मरने पर इन्हें बार बार ब्रह्म हत्या लगी। बृहस्पति के अपमान पर पश्चाताप, बलि द्वारा राज्य अपहरण पर दुर्दशा तथा गोवर्धन धारण एवं परिजात हरण आदि में भी कई बार इनका मानभंग हुआ ही है। मेघनाथ, रावण, हिरण्यकशिपु आदि ने भी इन्हें बहुत नीचा दिखलाया और बार बार इन्हें दुष्यंत, खड़वांग, अर्जुन आदि से सहायता लेनी पड़ी। इस प्रकार इनके गर्वभंजन की अनेकानेक कथाएँ तथापि ब्रह्म वैवर्त पुराण में इनके गर्वापहरण की एक विचित्र कथा है जो इस प्रकार है। एक बार इंद्र ने एक बड़ा विशाल प्रासाद बनवाना आरंभ किया। इसमें पूरे 100 वर्ष तक इन्होंने विश्वकर्मा को छुट्टी नहीं। विश्वकर्मा बहुत घबराए, वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर इंद्र के पास पहुंचे और पूछने लगे, देवेंद्र, मैं आपके अद्भुत भवन निर्माण की बात सुनकर यहाँ आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस भवन को कितने विश्वकर्मा मिलकर बना रहे हैं और यह कब तक तैयार हो जाएगा। इंद्र बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, क्या विश्वकर्मा भी अनेक होते हैं? जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। बहुरूपी प्रभु बोले, देवेंद्र, तुम बस इतने में ही घबरा गए। सृष्टि कितने ढंग की है, ब्रह्मांड कितने हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव कितने हैं, उन ब्रह्मांडों में कितने इंद्र और विश्वकर्मा पड़े हैं,
यह कौन जान सकता है। यदि कदाचित कोई पृथ्वी के धूलिकणों को गिन सका भी है तो भी विश्वकर्मा अथवा इंद्र की संख्या तो नहीं गिन जा सकती। जिस तरह जल में नौकाएँ दिखती हैं उसी प्रकार महाविष्णु के लोमकूप रूपी सुनिर्मल जल में असंख्य ब्रह्मांड तैरते दिख पड़ते हैं। इस तरह इंद्र और वटु में संवाद चल ही रहा था कि वहाँ 200 गज लंबा चौड़ा चीटों का एक विशाल समुदाय दिख पड़ा। उन्हें देखते ही वटु को सहसा हंसी आ गई। इंद्र ने उनकी हंसी का कारण पूछा। वटु ने कहा, हंसता इसलिए हूँ कि यहाँ जो ये चींटी दिखलाई पड़ रही है वे सब कभी पहले इंद्र हो चुके हैं, किंतु कर्मानुसार इन्हें अब चींटे की योनि प्राप्त हुई है। इनमें तनिक भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति ही ऐसी गहन है। जो आज देवलोक में है वह दूसरे क्षण कभी कीट वृक्ष या अन्य स्थावर योनि को प्राप्त हो सकता है। भगवान ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय कृष्णा जिंधारी उज्ज्वल तिलक लगाए, चटाई ओढ़े एक ज्ञान वृद्ध तथा वयोवृद्ध महात्मा वहाँ पहुँच गए। इंद्र ने उनकी यथालब्ध उपचारों से पूजा की। अब वटु ने महात्मा से पूछा, महात्मन आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका निवास स्थल कहाँ है और आप कहाँ जा रहे हैं, आपके मस्तक पर यह चटाई क्यों है अथवा आपके वक्षस्थल पर यह लोम चक्र कैसा। आगंतुक मुनि ने कहा, थोड़ी सी आयु होने के कारण मैंने कहीं घर नहीं बनाया और न ही विवाह ही किया और न कोई जीविका ही खोजी। वक्ष स्थल के लोम चक्रों के कारण लोग मुझे लोमश कहा करते हैं और वर्षा तथा गर्मी से रक्षा के लिए मैंने अपने सिर पर यह चटाई रख छोड़ी है। मेरे वक्षस्थल के लोम मेरी आयु संख्या के प्रमाण हैं। एक इंद्र का पतन होने पर मेरा एक रोम गिर पड़ता है, यही मेरे उखड़े हुए कुछ रोमों का रहस्य भी है। ब्रह्मा के दीपराध वशान पर मेरी मृत्यु कहीं जाती है। अशक्य ब्रह्मा मर गए और मरेंगे, ऐसी दशा में मैं पुत्र कलत्र या गृह लेकर ही क्या करूँगा। भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है, सर्व सुखद तथा दुर्लभ है, वह मोक्ष से भी बढ़कर है। ऐसा रतो भक्ति के व्यवधान स्वरूप तथा स्वप्नवत मिथ्या है। जानकर लोग उस भक्ति को छोड़कर शालोक्य आदि मुक्ति चतुष्टाय को भी नहीं ग्रहण करते। यो कहकर लोमस जी अन्यत्र चले गए।
बालक भी वही अंतर्धान हो गया। बेचारा इंद्र का तो अब होश ही ठंडा हो गया। उन्होंने देखा कि जिसकी इतनी दीर्घायु है वह तो एक घास की झोपड़ी नहीं बनाता, केवल चटाई से ही काम चलाता है। फिर मुझे कितने दिन रहना है जो इस घर के चक्कर में पड़ा हूँ। वह झट से उन्होंने विश्वकर्मा को एक लंबी रकम के साथ छुट्टी दे दी और आप अत्यंत विरक्त होकर किसी वन स्थली की ओर चल पड़े। पीछे बृहस्पति जी उन्हें समझा बुझाकर उन्हें राज्यकार में नियुक्त किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।